हेलो दोस्तों, पटियाल सक चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है पोको का X2 Pro। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पोको X2 Pro के कंफर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके प्राइस के बारे में साथ साथ जानेंगे कि कब ये फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। इस वीडियो में आगे बन रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्यादा बोर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज की वीडियो का लाइक एम रखते हम 10 लाइक्स का, और आई होप आप ये पूरा करवा दोगे। बात कर ले पोको के पोको X2 Pro की। ये फोन पिछले कुछ एक महीने से चर्चा में आ रहा है, और इस फोन के कुछ हद तक जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि कंफर्म है। बात कर लें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि आने वाली है नॉर्मल 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। अब बात कर लें ये जो फोन है ये आने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाले प्रोसेसर के साथ, और इसमें रियर की तरफ आपको 64 मेगापिक्सल के क्वाड्रियर कैमरास देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले हैं प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल के सोनी के GW2 वाले सेंसर के साथ। अगला जो सेंसर होगा वो आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस होगा, फिर आपको एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस भी इस फोन में प्रोवाइड किया जाएगा। पर ऐसी लीक निकल कर आ रही है कि इस फोन में आपको 5 मेगापिक्सल तक का एक एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किया जा सकता है मैक्रो लेंस। इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी वो 4700 mAh की देखने को मिलेगी, और इस फोन में आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और इनबॉक्स ये चार्जर आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा पोको की तरफ से। इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक, साथ में मेटल का फ्रेम होगा। इसमें आपको सिंगल पॉपअप सेल्फी देखने को मिलेगी, जो कि होने वाली है 25 मेगापिक्सल की। बात कर लें इस फोन में आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा फास्ट चार्जिंग के लिए, और साथ ही साथ ये जो पोको का फोन है इसमें भी आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा Xiaomi और Redmi के फोन्स की तरह ही। इस फोन में जो मेन खासियत होने वाली है वो होने वाली है इसकी प्राइसिंग, और ये फोन जो है ये 5G होगा, और जो Xiaomi है उसके अंडर ही पोको है, तो इसका मतलब Xiaomi का ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट 5G फोन भी होने वाला है। ऐसे में जो प्राइस होने वाली है इस फोन की वो आपको थोड़ी हाई मतलब एक्सपेंसिव देखने को मिल सकती है, पर फिर भी ये जो फोन होने वाला है वो एग्रेसिवली प्राइस्ड होगा इंडियन मार्केट में। सब अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। प्राइस की बात को करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे चैनल की सबसे पहले मिल सके। बात कर लें इसमें जो आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा, ऐसी लीक निकल कर आ रही है कि एक ही वेरिएंट होने वाला है, जो कि होने वाला है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, जो कि रैम होने वाली है LPDDR5 वाली रैम और UFS 3.0 का स्टोरेज का सपोर्ट होने वाला है। इसके जो प्राइस होने वाली है इंडियन मार्केट में वो होने वाली है अराउंड 32,000 to 33,000। ऐसे में जो मेरे हिसाब से प्राइस होने वाली है इस फोन की जो लीक से अनुसार है वो है दोस्तों 32,290 रुपये। ऐसे में जो प्राइस होने वाली है एक 5G फोन की, जो कि Realme X50 Pro से अगर कंपेयर करा जाए तो बहुत ही कम है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या ये फोन अंडर 35,000 इंडिया में लॉन्च हो सकता है या नहीं, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ कौन से टीवी के बारे में आप रिव्यू या फिर कंपैरिजन देखने चाहते हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।